Hello and very good morning to all my lovely kids. How are you all children? I hope you all are fit and fine at home. So students, today is Thursday and today is our English periods. Let's start our today's class. In my previous class, I already started lesson number 13, Tenali Raman and the Two Thieves. And I explain you till the page 117. Today we will proceed further with the rest of the lesson. For that, take out your voice textbook and open page number 118. But before starting today's class, we will just recap the story of Tenali Raman and the Two Thieves. अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, एक ब्रीफ स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ. जैसे वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ वाइज मैन हुज नेम वॉज तेनाली रामन, हु इज वर्किंग विथ अ कोर्ट इन द कोर्ट एम्परर कृष्णदेव राय. एक बहुत ही क्लेवर आदमी था जिसका नाम था तेनाली रामन, जो कृष्णदेव राय राजा जो थे उनकी कोर्ट में काम करता था. एक दिन, वन नाइट, Tenali Raman was sleeping and he heard the rustling of the leaves. उसने क्या सुनी? पत्तियों की आवाज़ सुनी, जिससे उसको ये एहसास हो गया कि उसके गार्डन में, घर के बाहर, कोई चोर आया है या कोई है. तो उसने अपनी वाइफ के साथ एक आइडिया बोला और उसने क्या बोला अपनी वाइफ को कि let's hide all the jewelry and the money that we have in the well. वो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो ज्वेलरी है और हमारा मनी है उसको हम हमारे आंगन में या हमारे बरामदे में जो वेल है, वेल मतलब कुआं, उसमें हम डाल देते हैं. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आगे की स्टोरी आज हम देखेंगे. सो स्टूडेंट, पेज नंबर 118. A little later, Tenali Raman and his wife came out of the house. Little later, मतलब कुछ देर बाद, Tenali Raman and his wife, Tenali Raman और उसकी wife came out of the house. घर से बाहर निकले. Carrying a big trunk. उनके हाथ में क्या था? एक बिग ट्रंक था. एंड ड्रॉप इट इनटू द वेल. उनके हाथ में जो बड़ा सा ट्रंक था, उन्होंने वो ट्रंक कहाँ रख दिया? वेल के अंदर, कुएं के अंदर. वेल, WELL, वेल, वेल मतलब कुआं. उन्होंने उस ट्रंक को कुएं के अंदर फेंक दिया. देन दे वेंट बैक इनसाइड द हाउस. और उस ट्रंक को कुएं में फेंक के वो दोनों अपने घर पर अंदर वापस चले गए. एंड प्रिटेंडेड टू बी स्लीप. और वो क्या एक्ट करने लगे? जैसे वो सो गए हो. घर जाके उन्होंने प्रिटेंड मतलब एक्टिंग करना सोने की, ऐसे दिखाने लगे कि वह सो गए हैं. ठीक है, ओके. ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको बच्चों समझ में आ गया. वी विल रीड दिस पैराग्राफ वन मोर टाइम. अ लिटिल लेटर तेनाली रामन एंड हिज वाइफ केम आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ बिग ट्रंक एंड ड्रॉप इट इनटू द वेल. देन दे वेंट बैक इनसाइड द हाउस एंड प्रिटेंडेड टू बी स्लीप. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिटेंडेड? प्रिटेंडेड मतलब दे आर एक्टिंग दैट दे आर स्लीपिंग. ओके, द थीव्स वेटेड फॉर अ व्हाइल एंड देन स्टार्टेड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल. बाहर जो चोर आए थे उन्होंने कुछ देर राह देखी और फिर उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल. Drawing मतलब pulling out. The thieves then pulling out the water from the well. वो उस कुएं में से पानी
करिए. दे गो टू एम्प्टी द वेल एंड गेट द ट्रेजर. उन्होंने क्या सोचा, हम कुएं का सारा पानी निकाल लेंगे और जो ट्रेजर है, ट्रेजर मतलब कीमती वस्तु जो तेनाली रामन ने अंदर डाली है, उसे हम चुरा लेंगे. ओके. द थीव्स कैप्ट ड्रॉइंग आउट द वॉटर द एंटायर नाइट. और वो पूरी रात उस कुएं में से पानी निकालते रहे. टूवर्ड्स डे बैक towards daybreak they managed to pull out the trunk. वो सारी रात वो उस कुएं में से पानी निकालते रहे and they managed to pull out the trunk. और at the end of the day उन्होंने उसमें से वो trunk को बाहर निकाल दिया. But when they opened it, जब उन्होंने उस trunk को खोला, they were extremely disappointed. जैसे कि उन्होंने थीव्स ने उस ट्रंक को खोला, वो ट्रंक को देख के वो बहुत ही निराश हो गए. डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हो जाना. दे फाउंड दैट द ट्रंक वाज फिल्ड विद द बिग स्टोन्स. उन्होंने क्या देखा, वो जो पूरा ट्रंक था किससे भरा हुआ था, बिग स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ था. The thieves understood that it was Tenali Raman's plan to outsmart them. Just then, Tenali Raman came out of his house. अब वो thieves जो थे, वो समझ चुके थे कि ये जो सारा प्लान था, वो किसका था? Tenali Raman का था. Tenali Raman का था. उनको फूल बनाने के लिए, थीव्स को फूल बनाने के लिए ये सारा प्लान तेनालीरामन ने बनाया था. और कुछ देर बाद तेनालीरामन केम आउट ऑफ हिज हाउस. थोड़ी देर के बाद तेनालीरामन जो है अपने घर से बाहर निकले एंड सेड, और कहा थैंक यू फ्रेंड्स. उन्होंने उन चोरों को क्या बोला, थैंक यू फ्रेंड्स For watering my plants. उन्होंने क्या बोला तेनालीरामन ने उन चोरों को कि थैंक यू, आपने मेरे गार्डन के सारे प्लांट्स को पानी दे दिया. I must pay you for your labor. वो क्या बोलने लगा, आपने जो मेरे प्लांट्स को पानी दिया है, ये जो आपने मेरा काम किया है, जो आपने ये हार्ड वर्क किया है, इसका मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. Hearing this, the thieves fell at Tenali Raman's feet. यही सुनकर जो thieves थे, ये देखिए thieves जो थे Tenali Raman के पैरों में गिर पड़े. For forgiveness, माफी मांगने के लिए. They promised not to steal or rob anyone from ever again. और उन्होंने उसके तेनाली रामन के पैरों में गिरकर माफी मांगी. और उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस किया कि वो आगे से कभी भी चोरी या डाका नहीं डालेंगे. समझ में आई ना ये स्टोरी आप सभी को, इतनी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, समझ में आई? ओके. अब आपको ये पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रीड करना है, ठीक है? ओके चिल्ड्रन, लुक एट द बोर्ड. वी फिनिश्ड द एक्सप्लेनेशन पार्ट, तेनाली रामन एंड द टू थीव्स. उसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, यू हैव टू राइट इट डाउन दीज डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक 3-3 times. ओके, यहाँ पे मैं आपको स्पेल आउट करके सारे बता देती हूँ. जस्ट लिसन इट केयरफुली एंड ट्राई टू रीड इट ऑल द स्पेलिंग्स, राइट? Tenali Raman, Emperor, Emperor, Emperor मतलब राजा. Krishna Dev Rai, this is a big spelling, पर इसको हम split करके बोल पढ़ सकते हैं. Krishna, ये Krishna, D-E-V, Dev, A-R-A-Y-A,
यू हैव टू रीड इट एंड राइट इट डाउन इन योर इंग्लिश वन नोटबुक. नेक्स्ट इज वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. वर्ड मीनिंग ऑफ द चैप्टर. राइट अ वर्ड मीनिंग टू टाइम्स इन योर नोटबुक. फर्स्ट इज फिगर्ड आउट. इट मीन्स अंडरस्टूड. इट मीन्स अंडरस्टूड. नोटोरियस. नोन फॉर डूइंग बैड थिंग्स. नोन फॉर डूइंग बैड थिंग्स आर कॉल्ड नोटोरियस. प्रिटेंडेड. एक्टेड. ड्रॉइंग. पुलिंग आउट. आउट स्मार्ट. फूल. एंड लेबर. हार्ड वर्क. ओके. आई विल सेंड यू द PDF ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड द वर्ड मीनिंग. यू हैव टू राइट डाउन दीज थिंग्स इन योर नोटबुक. ओके चिल्ड्रन, वी विल फिनिश एंड अप योर आवर टुडेज सेशन ओवर हियर. इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी. टिल देन टेक केयर ऑफ यू.